हेलो गाइस, आई एम अमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आई एम डूइंग वेल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। सो एक बड़ी अच्छी बात है कि जो जोलू काफ़ी बीमार हो गया था, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। प्रॉपर तरीके से ठीक हो चुका है। सो आज फिर दिखाऊंगा आपको मैं अपने ब्लॉग में जो डेली की एक्टिविटी है रैम्बो जोलू की। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। भाई साहब, इन भाई साहब का ब्रेकफास्ट हो चुका है। अब देखो कैसे आराम से सोए पड़े हुए हैं। और ये रैम्बो और ये झोलू, भाई साहब मतलब झोलू का ऐसा ना, मतलब जितना मर्जी इसका पेट भर जाए और खाना बेशक जितना मर्जी डालते रहो, कभी भी नहीं मना करेगा, खाता रहेगा खाता रहेगा। और ये रैम्बो भाई साहब ऐसे हैं, चाहे आपने बेशक चिकन ही क्यों ना डाला हो, अगर इसका पेट भर जाए ना तो मतलब ओवर ईटिंग नहीं करता है कभी भी। जहाँ तक तो हो सके बस वहीं तक खाना खाता है ना रैम्बो। गुड बॉय। और इन महाशय की तो क्या ही तारीफ करूं मैं, है ना झोलू, ये गुड बॉय। हाँ पहले बीमार था बट अब ठीक हो गया। अब तो भाई साहब मस्त खा रहा है। ये देखो इसको, ये इसको लग रहा है कि बस मेरे को इसको क्यों कर रहे हो, मेरे को क्यों नहीं कर रहे। ले भाई तेरे को भी कर देता हूँ, बस खुश दोनों दोनों को करने, भाई भाई होते ना। लो दोनों को, अब मैं इसको करूँगा। अब ये फिर मेरे पास आएगा। रैम्बो क्या हो गया? मैं इसी को करना है, तेरे को नहीं करना है, इसी को करूँगा। मेरे को बोल रहा मेरे को भी करो। अच्छा ले ले तेरे को भी करता हूँ, बस गुड बॉय गुड बॉय। ओके ओके दैट्स इनफ। सो गाइस, आपको मैं रैम्बो की ये चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो हमने चूहा पकड़ा था और रैम्बो कितना समझदार है, इसको उठा के लेके जा रहा है ताकि हम इसको दूर छोड़ के आए, है ना रैम्बो। रैम्बो वेट, लेके चले रैम्बो। भाई इतना समझदार है ना रैम्बो। अब देखो घर से उठा के लाया इसको, पिंजरे को और चूहे को पकड़ के वो छोड़ के आएंगे इसको। रैम्बो वेट, गाड़ी को देख ले पहले। ये देखो गाइस चूहा दिख रहा है आपको, इसमें लेके चले चलो। तो ये रहा चूहा जो रैम्बो पकड़ के लाया था, तो टाइम है इसको छोड़ने का। चलो, अरे भाग गया रैम्बो। नो भाग गया नो नो नो। अरे वो पहुंच गया नीचे उधर, हेलो चला गया इधर, इधर देख नीचे, वो चला गया वो उधर नीचे, वो देखो वो चल रहा है, वो जा रहा है नीचे। अरे इधर नहीं है, वो है नीचे, वो देखो वो चला गया, वो देखो वो चला हुआ है, दिख रहा है। रैम्बो को देखो भाई, रैम्बो को देखो, बंदरों को भगाने गया हुआ है। आजा 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 आजा, कम चलो 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 आ जाओ। अरे आजा, भगाने आया था चूहा, भगा रहा बंदर। चलो घर चलो, अरे घर चलो। सो भाई साहब, मैंने अभी झोलू की कंघी करी और इतने सारे बाल, मतलब ना ये पूरा का पूरा डस्टबिन जो है ना वो सारा इसी के बालों से भर रहा है। रैम्बो की करी बट इसमें 20% बाल जो है रैम्बो के हैं और इसमें मतलब 80% बाल जो है ना वो सारे के सारे झोलू के हैं। इसमें इतने सारे बाल है ना, मतलब इतने सारे बाल तो किसी भेड़ में भी नहीं होते होंगे। अगर भेड़ की ऊन निकालेंगे ना तो उसमें भी इतने बाल नहीं निकलेंगे डस्टबिन भर के जितने भाई साहब झोलू के निकले हैं, इतने सारा बाल। बट जर्मन शेफर्ड पालने की सिर्फ एक ही ये डिसएडवांटेज है कि मतलब इनके ना श्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्पेशली गर्मियों के सीज़न में काफ़ी ज़्यादा शेडिंग होती है। अब वो कितना रिलैक्स फील कर रहा है और आज की भी पूरा बिल्कुल रिलैक्स फील हो रहा है इसको, काफ़ी ज़्यादा कंघी करी इसकी, एक घंटे से कर रहा हूँ। सो गाइस, अभी मैं झोलू और रैम्बो के लिए डाइट बना रहा हूँ। तो अभी इसमें मैंने डाला है मटन और चिकन की स्किन। सो इसमें मैंने ऐड किया एक चम्मच हल्दी और एक चम्मच ये आंवले का पाउडर। जो आंवले का पाउडर होता है उसमें विटामिन सी होता है जो इनकी इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छा, आपको पता ही होगा कि जो विटामिन सी है वो इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा होता है। सो गाइस, ये है झोलू और रैम्बो का डिनर। तो इसमें मटन बॉयल करा हुआ है और चिकन की स्किन है, चपाती है, बॉयल चावल हैं और साथ में हल्दी और क्या बोलते हैं आंवले का पाउडर है एक चम्मच, साथ में मल्टी विटामिन और लीवर 52 है। सो गाइस, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही किसी और ब्लॉग के साथ।